सबको जानकर हर्ष होगा जो भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती समारोह कांग्रेस सहित पूरा हिंदुस्तान हर्षोल्लास से मना रहा था, जहां कांग्रेस युवा कार्यालय में राजीव गांधी के जीवन गाथा की हुई प्रदर्शनी, वहीं राजीव गांधी जी के जयंती के उपलक्ष्य में लोगों ने जोरदार किया ब्लड डोनेशन, दिव्यांग लोगों की सहायता के लिए की गई शादी। श्रीनिवासन की अध्यक्षता में सुबह से शाम जिस प्रकार से दिल्ली के युवा कार्यालय में लगा रहा लोगों का तांता, जो आते थे वो कहीं ना कहीं मन में यही एक राग रखते थे कि डिजिटल इंडिया के पहली सोच रखते थे भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी। स्वर्गीय भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का 77 वर्ष का एनिवर्सरी पर युवा कांग्रेस ने आज फोटो एग्जीबिशन लगाए, ब्लड डोनेशन कैंप किया और स्टैचू इनॉग्रेशन हुआ और साथ में हमारा जो 20 कपल्स जो विकलांग लोग हैं उन लोगों का भी मास शादी कराने का काम हम लोगों ने किया। राजीव जी का जो सोच था, राजीव जी का जो इस नेशन को पहचान दिया दुनिया में और उनका लेगेसी को कोई नहीं भूल सकता, देश में लोगों के मन में है राजीव गांधी जी आज 18 साल का वोटिंग पावर देने से लेके पंचायत राज, उसमें 33% महिला को मौका देना और नवोदय स्कूल्स बोर्डिंग स्कूल स्टार्ट करना और पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट में बहुत बड़ा बदलाव लाना और हेल्थ डिपार्टमेंट में ऐसे तमाम और कंप्यूटर क्रांति लाया जो आज डिजिटल इंडिया है, तो ये सारी चीज़ राजीव गांधी जी का देन। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राजीव जी का नाम रहेगा, तो ये लेगेसी को हमने नया जो जनरेशन है उनके बीच में लेके जाने का, तो किस तरीके से वो जिए, इस देश को आगे बढ़ाया, देश के लिए साधक, ये तमाम चीज़ को लेके हमने कांग्रेस का सारे कार्यकर्ता सबको उनको लेगेसी के उनके पास ले जाने के लिए हमने